Hello, students. I am Bhai Kumar, going to solve the problems of NCRT textbook in part 16 of the chapter 9, Array Optics and Optical Instruments of class 12. These problems are very important for the examination point of view. First of all, problem number 9.11 A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm and an eyepiece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision that is 25 cm from the eye and B at infinity? एंड व्हाट इज़ द मैगनीफी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ़ द माइक्रोस्कोप इन इस केस इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा प्रत्येक केस में वो भी मालूम करना है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जैसा कि मैंने बताया कि ये इस पार्ट में जो प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे मेरे द्वारा वे सभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो कि अक्सर डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ दिया है टू सेंटीमीटर टू पॉइंट जीरो जीरो सेंटीमीटर दैट इज टू सेंटीमीटर दैट इज एफ ओ दैट इज एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ का सिम्बॉल स्मॉल एफ ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव वस्तु लेंस को अभिदेशक वस्तु लेंस या अभिदेशक ऑब्जेक्टिव अंग्रेजी में कहा जाता है तो एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो कि दिया है टू पॉइंट जीरो सी एम दैट इज टू सी एम वी कैन राइट इट और आई पी का फोकल लेंथ है एफ एजकल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव सी एम और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो फिफ्टीन सेंटीमीटर है तो फर्स्ट केस में हम लिस्ट जब फाइनल इमेज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर फॉर्म होगा आई से तो उसमें निकालना है कितना ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंथ कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा मतलब यू मालूम करना है हमें और उसके बाद लेंथ दोनों लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया है तो दोनों एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला अलग अलग होता है तो फर्स्ट केस में ए में देख रहे हैं जब व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म डेट 25 सेंटीमीटर एट द लिस्ट डिशंस ऑफ डिस्टिंग विजन तो उस केस को देख रहे हैं यहाँ लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा एलो इजकल टू वी ओ प्लस यू वी और यू वी का लेंथ है तो यू वी को मोड लेंगे क्योंकि यू वी जो होगा वह uh, आई पिस के लिए uh, आई पिस आई पिस से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ए डेस बी डेस का जो ए वी का इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्क्शन के बाद तो एडस विडस जो ए बी का इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होता है रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज नियर द आई पिस विच लाई इन द विच लाई इन द विच लाई इन द विच लाइज इन द रीजन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पिस सो एडस वीडस वर्क्स एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आई पिस चूँकि एड एस बी डेस जो इमेज है ऑब्जेक्टिव के से रिफ्लेक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट बी का तो वह आई पी एस के अगर फोकल लेंथ के दायरे में होगा तो एड एस बी डेस आई पी के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एड एस बी डेस का आई का आई पी से जो डिस्टेंस होगा वह यू वी होगा यू वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं फॉर आई पीस ऑब्जेक्ट होगा एड एस बी डेस वह होगा आई पी के लेफ्ट में होगा इसलिए साइन कन्वेंशन के अनुसार वो निगेटिव होगा लेकिन लेंथ ऑफ द ट्यूब देखेंगे तो हम उसमें मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एल वी ओ प्लस यू मॉड देखना होगा और यह दिया है लेंथ कितना है दोनों का टोटल सम 15 फिफ्टीन फिप्ति, सेंटीमीटर इट इज 15 सेंटीमीटर तो अगर हम ई वी मालूम कर दें तो ई वी इसमें मालूम अगर हो जाए तो हमको भी वी ओ मालूम हो जाएगा और चूंकि फाइनल इमेज फॉर्म हुआ है कहाँ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर फर्स्ट केस में लेस ऑफ डिस्टिंक डिविजन तो वी इज्कल टू डी माइनस डी ये भी फाइनल uh, इमेज भी आई पी के लेफ्ट में बनेगा फॉर्म होगा इसलिए साइन कन्वेंशन के अनुसार ये डिस्टेंस भी निगेटिव होगा तो वी इज टू माइनस डी हो गया दैट इज माइनस ट्वेंटी फाइव सी एम माइनस ट्वेंटी फाइव सी एम अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन तो अगर हम इो मालूम कर लेते हैं तो वी हमको मालूम हो जाएगा अब वी जब मालूम हो जाएगा तो लेंस इक्वेशन का यूज करके ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमको हम वीओ का भी वैल्यू ऑप्टेन कर लेंगे उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम का फॉर्मूला Uh, हम uh, हम लोगों ने डिस्कस किया है हम जानते हैं एम इजकल टू वी ओ बाई ओ वी ओ अपन माइनस ई ओ वन प्लस डी बाई एफ ई तो उसका यूज़ करके मैग्नीफाइंग पावर भी मालूम हो जाएगा और इस केस में मालूम करना है तो पहले हम जब फाइनल इमेज बनता है फॉर्म होता है uh, पहले हम एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब जब फाइनल इमेज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर आई से बनता है उसके लिए मालूम कर रहे हैं वना तो वो uh, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब फिफ्टीन सेंटीमीटर वी ओ प्लस वी मॉडल इजकल टू 15 सेंटीमीटर अब हम यू निकालना चाहते हैं तो यूजिंग लेंस इक्वेशन यूजिंग लेंस इक्वेशन यूजिंग लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला थिन लेंस फार्मूला लेंस इक्वेशन फॉर फॉर द आई पीस फॉर द आई पीस आई पीस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वन बाई भी माइनस वन बाई यू वी टू वन बाई एफ और भी इजकल टू माइनस डी है माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर यू मालूम हो जाएगा और फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव है आई पीस का भी और ऑब्जेक्टिव uh, का भी चूँकि कॉन्वैक्स लेंस दोनों कॉन्वैक्स लेंस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव uh, और आई पीस दोनों कॉन्वैक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो भी का वी का वैल्यू पुट कर दें हमको यू मालूम हो जाएगा यू वी मालूम हो जाएगा तो हमें ई ओ यू भी मालूम हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब उसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वन बाई वी दैट इज वन बाई वी इज्कल टू माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस वन बाई यू वी इजकल टू वन बाई एफ ही एफ इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट प्लस सिक्स पॉइंट प्लस सिक्स पॉइंट टू फाइव डैट इज और माइनस वन बाई ट्वेंटी फाइव माइनस वन बाई यू वी इजकल टू ये हो जाएगा हंड्रेड ऊपर सिक्स पॉइंट टू फाइव है तो इसे हम लिख सकते हैं हंड्रेड अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव और यह हो जाएगा हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से कैंसिल करा सकते हैं ये फोर हो जाएगा और यहाँ पच्चीस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव दैट इज वन बाई माइनस ट्वेंटी फाइव ये फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव दैट इज सिक्स ट्वेंटी फ़ाइव तो वन बाई तो एल एच एस में हो जाएगा माइनस वन बाई माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस वन बाई अपॉन फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव आर एच एस में और वन बाई यू वी माइनस वन बाई यू वी माइनस वन बाई यू वी इजकल टू फोर बाई ट्वेंटी फाइव प्लस वन बाई ट्वेंटी फाइव और ये हो जाएगा फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फ़ाइव बाई ट्वेंटी फ़ाइव दैट इज़ कैंसिल होकर के फाइव वन बाई फाइव फाइव बाई ट्वेंटी फाइव वन बाई फाइव दैट इज इी इजकल टू माइनस ई वी इजकल टू माइनस फाइव सेंटीमीटर ई वी इजकल टू माइनस फाइव सेंटीमीटर मतलब आईफिस से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट ए बी का ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड तो आई पी के चूंकि वह फोकल लेंथ के जो डिडक्शन जो रिडेक्शन में है उसके दायरे में है इसलिए आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, का काम करेगा तो उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट एडेस वीडेस का डिस्टेंस आई पी से माइनस फाइव सेंटीमीटर हो गया माइनस का मतलब साइन कन्वेंशन से मतलब आई पी के लेफ्ट में है इसलिए नेगेटिव साइन का यूज़ किया गया है लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है इसलिए अब यू मालूम हो गया तो हम अब लेंथ ऑफ द ट्यूब से यहाँ जो फॉर्मूला है वी ओ प्लस यू वी तो यहाँ पर मॉड यहाँ पर यू का मॉड माइनस मॉड फाइव रखेंगे तो हमको वी मालूम हो जाएगा और वी मालूम हो जाएगा तो यू मालूम हो जाएगा तो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन वन वी हैव वी गेट ना वो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन वन वी गेट पुट कर देते हैं यू वी इजकल टू माइनस पुटिंग यू इजकल टू माइनस फाइव इन इक्वेशन वन दैट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब वी गेट equation from equation one we get from equation one we गेट भी ओ मालूम हो जाएगा वी plus प्लस EV, ev है minus five mod है तो minus five mod क्योंकि लेंथ में लेंथ का जो वैल्यू होगा वो लेंथ negative नहीं हो सकता है इसलिए mod ही लेना होगा इसका टू तो 15 डैट इज ये प्लस ये ये प्लस फाइव हो जाएगा minus five का mod प्लस five हो जाएगा तो therefore फॉर is equal to टू दैन फॉर वी ओ इजकल टू फिफ्टीन माइनस ये प्लस फिफ्टी वी ओ प्लस फाइव हो जाएगा माइनस फाइव का अमाउंट फाइव हो गया तो वी ओ प्लस फाइव इजकल टू फिफ्टीन इस दैन फॉर वीओ इजगल टू फिफ्टीन माइनस फाइव फिफ्टी माइनस फाइव फाइव को आर एस एस में कर देंगे टेन सेंटीमीटर तो हमें मालूम हो गया कि जो इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्टिव से रिफ्लेक्शन के कारण ऑब्जेक्टिव से रिफ्लैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट ए बी से लाइट जो चलेगी और ऑब्जेक्टिव uh, लेंस से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव से रिफ्लेक्शन के बाद जो फोकस होगी जहाँ वर्चुअल इमेज बने जहाँ रियल इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड इमेज ए एड वी वीडेस जो आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जिसका डिस्टेंस आई से फाइव सेंटीमीटर है तो उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से कितना हो जाएगा ए एड वी वीडेस का डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर जब भी ओ मालूम हो गया तो हमको ई वो मालूम करना है कि वो कहाँ होगा इसमें ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस से यो ये हमको मालूम करना है और साथ में मैग्नीफिकेशन भी मालूम करना है मैग्नीफाइंग पावर भी मालूम करना है मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैगनीफिकेशन ये भी मालूम करना है दोनों केस में लेकिन पहले हम उस केस को देख रहे हैं जब फाइनल इमेज एडजस्टमेंट फॉर कहाँ बनता है आई से ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर डैट इज एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन स्पर्ष डिस्ट्रिक्ट का न्यूनतम दूरी समायोजन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम ऑब्जेक्टिव से कहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को वो मालूम कर रहे हैं यू और फिर मैग्नीफाइंग पावर भी मालूम करेंगे तो भी यो हमको मालूम हो गया है टेन सेंटीमीटर अब आसानी से यो हमको मालूम हो जाएगा अब लेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव uh, के लिए लेंस इक्वेशन वन बाई वी ओ माइनस वन बाई ओ इजकल टू वन बाई एफ ओ एंड देन मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला तो उससे पार्ट ए का आंसर uh, हो जाएगा नाउ यूजिंग लेंस इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्टिव चूंकि वीओ हमें मालूम हो गया है टेन सेंटीमीटर वीओ इज द ऑब्जेक्टिव इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव तो नाउ यूजिंग लेंथ इक्वेशन फॉर लेंथ इक्वेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज वन बाई वी ओ माइनस वन बाई यू ओ इजकल टू वन बाई एफ ओ और वी ओ हमें मालूम हो गया वी ओ प्लस टेन सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्टिव के राइट साइड में दाहिनी ओर फॉर्म हो रहा है ये डिस्टेंस एड बी विडेस जो इमेज है ऑब्जेक्टिव से रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव ए का वन बाई वी ओ इज टेन सेंटीमीटर माइनस यू वो तो मालूम करना ही है ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ होगा मालूम करना है और एफओ एफओ हमें मालूम है प्लस एफओ इज ए, और फोकल लेंथ ऑफ तो द ऑब्जेक्टिव इज टू सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर ये प्लस टू हो गया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का और माइनस वन बाई यू ओ इजकअल टू वन बाई टू माइनस वन बाई टेन एल सी एम टेन हो गया यहाँ टू मल्टीप्लाइड यहाँ फाइव हो गया तो से डिवाइड करेंगे टेन में तो फाइव मल्टीप्लाइड बाई वन फाइव माइनस वन डैट इज फोर बाई टेन डैट इज़ टू अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव देयर फोर वन बाई ओ माइनस वन बाई टू बाई फाइव हो गया और माइनस और माइनस वन बाई माइनस यू और माइनस वन बाई यू ओ इजल टू टू बाई फाइव देर फोर ई ओ इजक्ल टू माइनस माइनस फाइव बाई टू डेट इज टू पॉइंट फाइव हो गया फाइव बाई टू डेट इज टू पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव सी एम और माइनस ये बतला रहा है इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लेफ्ट में होगा देयरफॉर फोर ई ओ इजकल टू माइनस टू पॉइंट फाइव सी एम तो ये फर्स्ट आंसर आ गया ऑब्जेक्ट जब एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन है मतलब जब फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फॉर्म होता है आई से 25 सेंटीमीटर पर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से कहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो वह डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से अभिदेशक या वस्तु लेंस से टू सेंटीमीटर लेफ्ट नाउ मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस केस मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन होता है फॉर एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिविजन स्पर्श डिस्टिक का न्यूनतम दूरी समायोजन में मैग्नीफाइंग पावर का होता है वी ओ अपॉन माइनस ई ओ मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस डी बाई एफ ई डी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डी अपॉन एफ फी दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर फोक्सिंग एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्पर्श डिस्ट्री का न्यूनतम दूरी समायोजन में जब फाइनल इमेज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर फॉर्म होगा तो मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन यही है या एंगुलर कोनी है एंगुलर मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन एम इजकल टू वीओ अपॉन माइनस ई ओ वी ओ अपन माइनस ई ओ मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस डी बाई एफ वी और इसमें अब हम वी ओ और ई ओ का वैल्यू पुट कर दें तो हमें मैग्नीफाइंग पावर इस केस में पहले सिचुएशन में पहले केस में मतलब एडजस्टमेंट फॉर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर या फोक्सिंग फॉर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द आई उसके लिए मालूम हो जाएगा तो नाउ वी ओ इजकल टू वी ओ हमें मालूम है टेन सेंटीमीटर है और यू अभी मालूम हो गया माइनस टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन तो ये हो गया वीओ वीओ इजक्ल टू टेन सेंटीमीटर वी ओ पहले ही आ चुका है टेन सेंटीमीटर माइनस ई ओ यू इज माइनस टू पॉइंट फाइव सी एम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस डी ट्वेंटी फाइव सी एम है और ए पी इजकल टू फोकल लेंथ ऑफ द आई पी एस इज प्लस टू प्लस सिक्स पॉइंट टू फाइव सी एम सी एम तो सी एम कैंसिल ही हो गया और सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फाइव में तो ये फोर टाइम्स है कैंसिल हो जाएगा फोर टाइम तो डेटी वन प्लस फोर ब्रैकेट के अंदर वन प्लस फोर फाइव और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टेन अपॉन टेन अपॉन टू पॉइंट फाइव है टेन अपॉन टू पॉइंट फाइव दैट इज़ फोर फोर टाइम हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस अंदर ब्रैकेट में वन प्लस फोर और ये टू पॉइंट फाइव से टेन uh, कैंसिल uh, हो गया ये फोर टाइम्स टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर इजक्ल टू टेन देर फॉर मैग्नीफिकेशन इज फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस वन फाइव दैट इज ट्वेंटी तो मैग्नीफाइंग पावर और रेगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ़ द फाइनल इमेज इज फॉर्म डेट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द आई इज ट्वेंटी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इन दिस केस इज ई वो इजकल टू माइनस टू पॉइंट फाइव सी एम तो पार्ट ए का आंसर हो गया अब हम पार्ट बी का पार्ट बी का आंसर हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम का जो कि प्रॉब्लम नाइन पॉइंट एलेवन है एन सी आर टी टेक्स्ट बुक का नाइन्थ चैप्टर नाइन का री ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको कि आइधर थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स में uh, अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड एग्जामेशंस में Now, पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम 9.11 पॉइंट वन वन इसमें जब फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फॉर्म होता है इन्फिनिटी पर मतलब जब इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज ऑप्टेन करने के लिए फोकस किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को तो उसमें उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा ये वो मालूम करना है और मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू मालूम करना है एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी में अनंत समायोजन के केस में संयुक्त सुंदर सिंह कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अनंत समायोजन में एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी में मैग्नीफाइंग पावर और ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है तो नाउ लेंथ ऑफ द ट्यूब इन दिस केस इज एलिजकल टू वी ओ प्लस एफ ई एडजस्टमेंट के लिए नॉर्मल फॉर एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी के लिए यू वी के जगह पर एफ ई लेना होगा चूँकि एड एस वीडेस को आई पी के फोकस पर रखा जाएगा तभी फाइनल इमेज इन्फिनिटी uh, पर बनेगा फॉर्म होगा Therefore, L is to 15 cm of the tube, तो देयर फोर एल इजल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ द ट्यूब तो दोनों केस में है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस के सेंटर्स के बीच का ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस तो देर फोर एल इजल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर और इसमें हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब वी ओ प्लस एफ ईज यू वी इज रिप्लेस बाई एफ ही फॉर एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अनंत समायोजन में वी ओ प्लस लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा नली की लंबाई uh, अभिदेशक लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस तो वो हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ही यू वी के जगह एफ ही हो जाएगा और नेटफॉर्म को वी ओ मालूम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव से इमेज का जो डिस्टेंस है ए डैस वी डैस जो फॉर्म होगा ऑब्जेक्टी का इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्टिव से रिफ्लेक्शन के कारण तो वह मालूम हो जाएगा वी ओ इजल टू एफ एफ ही वी ओ इजल टू फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस चूँकि लेंथ फिफ्टीन है फिफ्टीन माइनस एफ ही और फिफ्टीन माइनस एफ ही ए पी मालूम है फोकल लेंथ ऑफ़ द सिक्स 6.25 फाइव सी तो 15 माइनस सिक्स टू फाइव दैट इज एट पॉइंट सेवन फाइव एट पॉइंट सेवन फाइव सी एम एट पॉइंट सेवन फाइव प्लस टू फाइव फिफ्टीन हो जाएगा तो so, वी मालूम हो जाएगा अब लेंस इक्वेशन यूज कर देते हैं यूज करते हैं फिर ऑब्जेक्टिव uh, uh, के लिए तो लेंस इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्टिव इज वन बाई वी ओ माइनस वन बाईक चूंकि वी हमें मालूम हो गया ये प्लस एट पॉइंट सेवन फाइव सी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के दाहिनी ओर दाहिनी ओर दाहिनी ओर फॉर्म हो रहा है राइट साइड में फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्टिव के और वन बाई वी ओ वी ओ टू प्लस एट पॉइंट सेवन फाइव माइनस यू ओ यू ओ तो निगेटिव ही होगा चूँकि ऑब्जेक्टिव के लेफ्ट साइड में है और एफ है वन बाई टू वन बाई टू प्लस वन बाई टू और माइनस वन बाई यू ओ टू इक्वल्स टू वन बाई टू माइनस वन बाई एट पॉइंट सेवन फाइव और इसका एल्सियम हो जाएगा टू इंटू एट पॉइंट सेवन फाइव डेट इज डेट इज सेवनटीन पॉइंट फाइव सेवनटीन पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा दो से इसमें डिवाइड करेंगे सेवन पॉइंट सेवनटीन पॉइंट फाइव में तो एट पॉइंट सेवन फाइव माइनस अब एट पॉइंट सेवन फाइव से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये टू दैट इज एट इंटू टू मल्टी एट एट पॉइंट सेवन फाइव इंटू टू सेवन सेवनटीन पॉइंट फाइव ये टू हो गया दैट इज वी हैव एट सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन फाइव अपॉन सेवनटीन पॉइंट फाइव देयर फोर ई ओ इजगल टू वन बाई इतना आया इसलिए देर फोर इजकल टू यू ओ रिवर्स हो जाएगा इसका माइनस uh, सेवेंटीन पॉइंट फाइव अपॉन सिक्स पॉइंट सेवन फाइव ये यू हो गया माइनस सेवनटीन पॉइंट फाइव रिवर्स हो जाएगा माइनस वन बाई यू यू ओ इजक्ल टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव अपॉन सेवन सेवनटीन पॉइंट फाइव तो इसका रिस, यू रिसिप्रोकल हो जाएगा सेवनटीन पॉइंट फाइव ऊपर और सिक्स पॉइंट सेवन फाइव नीचे दैट इज ये हो जाएगा सेवन फाइव वन सेवन फाइव जीरो अपॉन सिक्स सेवन फाइव माइनस है माइनस माइनस टू पॉइंट फाइव नाइन सी एम फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव वस्तु की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से माइनस टू पॉइंट फाइव नाइन सेंटीमीटर आंसर ये आंसर हो गया अब नाउ मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस केस दैट इज फॉर एडजस्टमेंट फॉर इंफिनिटी तो ये फॉर्मूला होता है वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाइड बाई माइनस वी ओ अपन माइनस यू ओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई अब यहाँ वी ओ का वैल्यू हम पुट करते हैं वी ओ यहाँ पर हमें मालूम है वी ओ एट पॉइंट सेवन फाइव है प्लस एट पॉइंट सेवन फाइव अपॉन माइनस और यू ओ का वैल्यू माइनस टू पॉइंट फाइव नाइन अभी हमने टेन किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे में एंड डी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड एफ इज सिक्स पॉइंट टू फाइव सी एम तो 6.25 से 25 ये कैंसिल हो गया ये फोर टाइम्स 6.25 पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर हो गया और ये प्लस हो जाएगा 8.75 पॉइंट सेवन फाइव अपॉन टू पॉइंट फाइव नाइन इज़ टू पॉइंट सिक्स एन ईयरली माइनस माइनस प्लस हो गया 2.59 पॉइंट फाइव नाइन मल्टीप्लाइड बाई फोर और ये कैलकुलेट करके हमारे ये 8.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू फोर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू फोर फाइव इंटू फोर ट्वेंटी रिमाइंडर टू सेवन इंटू फोर फोर ट्वेंटी एट प्लस टू थर्टी जीरो रिमाइंडर थ्री और एट इंटू फोर थर्टी टू और प्लस थ्री थर्टी फाइव ये थर्टी फाइव हो गया थर्टी फाइव ऊपर में थर्टी फाइव और नीचे में टू पॉइंट फाइव नाइन इज़ टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट फाइव नाइन को नियरली टू पॉइंट सिक्स माना जा सकता है दैट इज थ्री फिफ्टी अपॉन ट्वेंटी सिक्स डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स थ्री थर्टी फाइव वन टाइम ये थर्टीन पॉइंट फाइव नियरली थिंक थर्टीन पॉइंट फाइव और चूँकि एंगुलर मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है चूँकि एंगल फॉर्म बाई द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल फॉर्म बाई द ऑब्जेक्ट एट द आई दोनों का रेशियो है इसलिए इसका uh, कोई यूनिट नहीं होगा यूनिटलेस है एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी यूनिटलेस है और एंगुलर uh, uh, थी मैग्नीफिकेशन भी यूनिटलेस है तो ये इसका आंसर आ गया मैग्निफिकेशन hmm. हो गया इसका आंसर इसका थर्टीन पॉइंट दैट इज थर्टीन पॉइंट थर्टीन पॉइंट फाइव तो ये पार्ट बी का भी सॉल्यूशन हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट फॉर इंफिनिटी के लिए थर्टीन पॉइंट फाइव और यू हो गया माइनस टू पॉइंट फाइव आया माइनस टू पॉइंट फाइव नाइन सी एम दैट इज नियरली माइनस टू पॉइंट सिक्स सी एम फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट को रखना होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस से से ऑब्जेक्ट टू पॉइंट फाइव नाइन सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है प्रॉब्लम इज एन एगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ थर्टी टाइम्स थर्टी इंटू एक्स दैट इज थर्टी इंटू थर्टी मल्टीप्लाइड बाई एम टाइम्स है क्रॉस सिंबल और मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है थर्टी टाइम्स थर्टी एक्स मिट मीन्स थर्टी टाइम्स डिजायर यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ वन पॉइंट टू फाइव सी एम एंड आई पी एस फोकल लेंथ फाइव सी एम हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनाएंगे जब एमुलर मैग्नीफिकेशन थर्टी टाइम्स दिया हुआ है और फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का वन पॉइंट टू फाइव सी एम आई पीस का फोकल लेंथ फाइव सी एम तो कैसे सेटअप करेंगे उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मतलब यू क्या होगा ऑब्जेक्टिव uh, से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा फिर ऑब्जेक्टिव से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा वी क्या होगा तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा यू क्या होगा आई से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हुआ कितना होगा और लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा तो यही सब मालूम करना है सेटअप का मतलब है कि इन्हीं चीज़ों को ऑब्टेन करना है नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो मैग्निफिकेशन दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप मुल्टि, का कैपिटल एम इक्वल्स टू थर्टी एक्स है डैट इज थर्टी एक्स थर्टी टाइम्स है ये थर्टी टाइम्स थर्टी मल्टी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है मतलब थर्टी टाइम्स इमेज को थर्टी टाइम्स जो है इमेज को मैग्नीफाइड करेगा इसका मतलब ये हुआ मैग्नीफिकेशन उसका थर्टी टाइम्स है ऑब्जेक्ट है थर्टी टाइम्स उसके इमेज को मैग्नीफाइड करेगा और मैग्नीफिकेशन जो होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम इज्वल टू एम हो गया थर्टी थर्टी टाइम्स मतलब थर्टी टाइम्स मतलब मीन्स इसको आप केवल थर्टी भी लिख सकते हैं और एम इजकल टू थर्टी और एम का फार्मूला जो होता है वह होता है एम ओ मैग्निफिकेशन बाई द ऑब्जेक्टिव बाई मैग्नीफिकेशन बाई द आई पीस एंड देर फॉर थर्टी इक्वल्स टू और थर्टी इजक्ल टू एम ओ एम ओ मल्टीप्लाइड बाई एम ई और इसको इक्वेशन वन मान लिया जाता है सपोज किया जाता है नाउ एम ईजक्ल टू फॉर आई पीस मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई द आई पीस द फार्मूला इज कैपिटल एम मैग्निफिकेशन पावर है एंगुलर मैग्नीफिकेशन है एम ई मैग्निफिकेशन है एम इज इजल टू वन प्लस डी अपॉन एफ ही दैट इज वन प्लस डी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इट इज़ गिवन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज फाइव सी एम मतलब यहाँ दिया है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव वो एफ ओ इजकल टू प्लस क्योंकि कॉन्वैक्स लेंस होता है प्लस वन पॉइंट टू फाइव सी एम एंड एफ इक्वल्स टू एफ ही फोकल लेंथ ऑफ द आई पिस इज प्लस फाइव सी एम प्लस फाइव सी एम नाओ ये डिस इज थी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई द आई पी 1 वन प्लस डी बाई ए जो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी होता है सिंगल लेंस वहाँ होता है तो वहाँ पर यही फार्मूला तो उसका यूज़ किया वन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई ए पी इज फाइव दैट इज ये फाइव वन प्लस फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल होकर फाइव हो गया तो फाइव प्लस वन प्लस फाइव दैट इज सिक्स तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई द आई पी सी सिक्स अब यहाँ पर सिक्स का वैल्यू वन में हम रखते हमारे फॉर वन इन वन पुटिंग एम इजगल टू सिक्स इन वन वी गेट एमओ इजकल टू थर्टी अपॉन थर्टी इजकल टू एमओ इन टू सिक्स दैट इज एमओ इजगल टू थर्टी बाई सिक्स दैट इज फाइव दैट फोर एमओ इजगल टू यूजिंग वन वी गेट इन वन यूजिंग वन यूजिंग इट इन वन मतलब पुटिंग एम इजगल टू सिक्स इन वन वी गेट एम इजगल टू एमओ इजकल टू थर्टी अपॉन एम इ इजकल टू थर्टी अपॉन एम इज एम इज ये एम इज सिक्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई द आई पीस नेत्रिका के द्वारा उत्पन्न आवर्धन सिक्स है तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू थर्टी थर्टी कैंसिल हो गया सिक्स से फाइव हो गया एम ओ टू फाइव और एम ओ का जो फार्मूला होता है हम जानते हैं एम ओ इजकल टू होता है माइनस वी ओ बाई ना वो एम ओ इजक्ल टू वी ओ अपॉन माइनस यू ओ एम ओ इजक्ल टू वी ओ अपॉन माइनस यू ओ और एम ओ मालूम है फाइव और आप लिख सकते हैं मो की जगह फाइव अभी आप किए हैं हम वीओ अपॉन माइनस ईवो देअ फोर वीओ इजकल टू तो मालूम हो गया यहाँ है से देर फोर वी ओ इक्वल्स टू तो माइनस फाइव ईवो मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वीओ इजकल टू तो माइनस फाइव वीवो दिस इज इक्वेशन टू नाउ अब नाउ वी हैव टू तो फाइंड ईवो वीओ मालूम हो गया अब वीवो मालूम कर सकते हैं तो लेंस इक्वेशन यूज करेंगे आई पी एस के लिए तो वी हैविंग फॉर द आइपिस वी हैव वन बाई वी ओ वन बाई वी ओ माइनस वन बाई यू ओ इजकल टू वन बाई एफ ओ और वन बाई वी ओ आ गया है वी ओ मालूम है यू ओ के टर्म में यू ओ से रिलेटेड है तो यू का वैल्यू मिल जाएगा माइनस फाइव यू ओ वी ओ इजकल टू माइनस फाइव यू ओ माइनस वन बाई यू ओ इजकल टू वन बाई एफ ओ ये हो गया माइनस वन बाई फाइव यू ओ माइनस फाइव वी वन माइनस फाइव बाई ओ ये यू ओ वो माइनस वन वन बाई यू ओ इजकल टू वन बाई एफ ओ एंड एफ ओ इज गिवेन एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज वन पॉइंट टू फाइव वन अपॉन वन पॉइंट टू फाइव सी एम ना वो ये हो गया एल्सीम इसका फाइव वी नीचे फाइव वी वो यू ओ फाइव और यू ओ का एल्सीयम फाइव वी अब इसमें माइनस है तो इसमें फाइव वी ओ से डिवाइड करेंगे तो वन वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन हो गया माइनस वन माइनस ईवो से इसमें डिवाइड करेंगे फाइव यू में तो फाइव बचेगा फाइव इंटू वन दैट इज फाइव माइनस वन माइनस फाइव कल टू वन पॉइंट वन अपॉन वन अपॉन वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव इज़ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस माइनस वन माइनस फाइव इज माइनस सिक्स अपॉन फाइव वी ओ इक्वल्स टू वन अपॉन वन पॉइंट टू फाइव फाइव ओ टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिक्स अपॉन फाइव ये यू हो गया अब सिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे या फाइव से वन पॉइंट टू फाइव ये कैंसिल हो जाएगा फाइव से वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव हो जाएगा पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव और टू फाइव से सिक्स में करें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्स डैट इज दैट इज वन पॉइंट वन फिफ्टी ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स वन फिफ्टी टू प्लेस पर डिश्मल है वन पॉइंट फाइव जीरो दैट इज यू वो इज्क्ल टू माइनस वन पॉइंट फाइव सी एम फाइव जी वन पॉइंट फाइव जीरो डेट इज़ वन पॉइंट फाइव सी एम दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ये कहाँ से होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव और माइनस निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट uh, ऑब्जेक्टिव object, से ऑब्जेक्टिव uh, के लेफ्ट में तो ये वो तो मालूम हो गया अब भी हम मालूम कर लेंगे वीओ इजगल टू माइनस फाइव यू अब इसमें वीवो की जगह यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे वीवो यू इजकल टू तो माइनस वन पॉइंट फाइव और माइनस फाइव पहले से है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ, 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 आ जाएगा जो प्लस होगा वन पॉइंट फाइव इंटू फाइव तो से था था ये सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव सी एम फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव राइट टू द ऑब्जेक्टिव तो वीओ का भी मालूम वैल्यू इससे हमको मालूम हो जाएगा दैन भीओ इजकल टू ना वो अब हमें ईवो यू वी और वी का वैल्यू ऑप्टेन कर सकते हैं तो उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्यूब वीवो प्लस ईवो यू वी प्लस यू वी आ जाएगा फॉर एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ टेस्टिंग विजन तो नाउ वो इज इजगल टू पुटिंग इजगल टू माइनस वन पॉइंट फाइव सी एम इन इक्वेशन टू वी गेट वीओ इजगल टू फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट भी ओक् इक्वल्स टू माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई यू यूज यू ओ इजक्ल टू माइनस वन पॉइंट फाइव दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गया ये फिफ्टीन वन पॉइंट फाइव इंटू फाइव दैट इज सेवन पॉइंट फाइव प्लस सेवन पॉइंट फाइव सी एम ये हमारा आ गया रिजल्ट मतलब प्लस है इसका मतलब है कि राइट टू द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के दाइ दाई और है ये डिस्टेंस जो कि एड एस वीडियस का डिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्टेबी का इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस रिफ्लेक्शन के कारण प्लस फाइव सी एम सेवन पॉइंट फाइव सी एम अब इसी ढंग से अब आई पीस के लिए अगर फाइनल इमेज फॉर्म होता है फॉर फोक्सिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन तो फॉर वी इजक्ल टू क्या होगा भी इजक्ल टू हो जाएगा माइनस डी माइनस ट्वेंटी फाइव सी एम अगर इमेज फाइनल इमेज फॉर्म होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर तो अब वन बाई वी इजकल टू वन बाई यू वी यूज कर लेंगे हम इक्वेशन वन बाई माइनस वन बाई यू इज कर टू अगेन यूजिंग द लेंस इक्वेशन फॉर द आईपीस अब आईपीस के लिए नेत्रिका के लिए लेंस इक्वेशन यूज करते हैं वन बाई भी माइनस वन बाई यू वी इजकल टू वन बाई एफ ई और भी इजकल टू हो गया वन बाई माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस वन बाई यू वी यू मालूम हो जाएगा हमें वन बाई एफ ई एफ ई हमें दिया है प्रॉब्लम में प्लस फाइव या प्लस फाइव सी दिया हुआ है नाउ वन बाई और माइनस वन बाई यू वी इजकअल टू वन बाई फाइव प्लस वन बाई ट्वेंटी फ़ाइव माइनस वन बाई माइनस ट्वेंटी फाइव है आर एच एस में इसको ले गए आर एच एस में ले जाने के बाद साइड चेंज किए तो वो प्लस वन प्लस वन बाई ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और इसका एल सी एम फाइव ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी फाइव ही होगा देट फॉर एल सी एम इज ट्वेंटी फाइव और फाइव से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फाइव में तो फाइव इंटू वन दैट इज फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव सी एम माइनस वन बाई यू वी मतलब आई पी से वर्चुअल ऑब्जेक्ट ए डेस वी डेस का जो डिस्टेंस होगा वह इक्वल uh, टू इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स सी एम इस साइड में तो हमें यू वी मालूम हो जाएगा जब यू वी मालूम हो जाएगा तो भी भी मालूम हो जाएगा ये भी मालूम हो जाएगा और भी तो मालूम है ही भी जो है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है इस प्रकार लेंथ ऑफ द ट्यूब भी मालूम हो जाएगा और इस प्रकार फाइनल रिजल्ट हम ऑफटेन कर पा कर लेंगे तो नाउ वी हैव वन बाई यू वी इजकल टू दे फोर यू वी इजकल टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स सी एम दैट इज माइनस सिक्स फोर टाइम सिक्स सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर एक बचेगा तो सिक्स uh, पॉइंट uh, होने पर टेन हो जाएगा फिर एक बार जाएगा एक बार जाएगा टेन चार फोर फोर बचेगा और सिक्स टाइम वन सिक्स 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 आएगा तो वन सेवन कर दें इसको माइनस फोर पॉइंट वन सेवन ये सी हो गया और माइनस ये इंडिकेट करता है कि आई से वर्चुअल ऑब्जेक्ट एडियस वीडियस का डिस्टेंस फोर पॉइंट वन सेवन सेंटीमीटर लेफ्ट है ना लेंथ ऑफ द ट्यूब इच भी यू मालूम हो गया भी तो एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन के लिए 25 सेंटीमीटर होगा जब फाइनल इमेज ट्वेंटी फाइव सेंटीमटर बनेगा इससे दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन के लिए इविजकल टू भी इजकल टू ट्वेंटी फाइव से भी इजकल टू माइनस डी अडिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन माइनस ट्वेंटी फाइव यू भी आ गया इसलिए लेंथ ऑफ द ट्यूब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होगा लेंथ ऑफ द ट्यूब लेंथ ऑफ द ट्यूब इज लेंथ ऑफ द ट्यूब इज एलिजिकल टू एलिजिकल टू वीओ वीओ जो पहले हम लाए थे और प्लस माइनस ई वी का मोड ले लेंगे सेवन पॉइंट फाइव सी एम वीओ ऑफ टेन किया था हमने इसमें इस प्रॉब्लम में सेवन पॉइंट फाइव सी एम और प्लस ये हो गया फोर पॉइंट वन सेवन ई वी का मोड इजिकल टू माइनस माइनस ई वी डेट इज ई वी का मोड हो गया वीवो प्लस सॉरी वीओ प्लस ई वी का मॉड वीओ प्लस मॉड ऑफ यू वी तो मॉड ऑफ यू हो गया कितना माइनस वन फोर पॉइंट वन सेवन डैट इज सेवन पॉइंट फाइव सेवेन पॉइंट फाइव प्लस सेवन पॉइंट सेवेन पॉइंट फाइव सी एम प्लस फोर पॉइंट वन सेवन सी एम ये दोनों का लेंथ एड हो गया दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो ये सेवन और फाइव प्लस वन सिक्स और सेवन प्लस फोर डैट इज एलेवेन एलेवन पॉइंट सिक्स सेवन सी एम लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा और यही फाइनल सेटअप हो गया हमारा सारा चीज़ मालूम हो गया ईवो हो गया वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट फाइव सी एम वी ओ हो गया सेवन पॉइंट फाइव सी एम और वी uh, ओ हो गया और वी हो गया माइनस थी ट्वेंटी फाइव सी एम जब ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फाइनल इमेज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर फोकस करने के लिए सेटअप करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को वो भी मालूम हो जाए हो गया ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हो गया फाइनल uh, इमेज भी इज्जल टू माइनस डी ट्वेंटी फाइव सी एम लेंथ ऑफ ऑफरिटिव वी ओ प्लस वी इस प्रकार एलेवन पॉइंट सिक्स सेवन सी एम इस प्रकार से सभी चीज़ें हमें ऑप्टेन हो गई मालूम हो गई और यही इसका रिजल्ट है इस प्रॉब्लम का और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है थैंक यू वेरी मच